नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे 15 ऐसे दिव्य सनातन मंदिरों के बारे में जिनके दर्शन प्रत्येक हिंदू को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करने चाहिए। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो दोस्तों अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड। दोस्तों केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। नंबर 2, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी। दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के देवता। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, श्री जगन्नाथ धाम पुरी। दोस्तों पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 4, तिरुमाला तिरुपति देवस्थान तिरुपति। दोस्तों तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एक स्वतंत्र ट्रस्ट है जो भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर सहित कई मंदिरों का प्रबंधन करता है। ट्रस्ट दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धार्मिक केंद्र के संचालन और वित्त की देखरेख करता है। यह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों में भी शामिल है। नंबर 5, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम। दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के मुख्य वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। नंबर 6, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयं शंभू भव्य और दक्षिणामुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। नंबर 7, बृहदेश्वर पेरुवादियार कोविल तंजावुर। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वरम तमिलनाडु के तंजोर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुबुटियार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नंबर 8, श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड। दोस्तों बद्रीनाथ धाम अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक यह प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है।
नंबर 9 सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। दोस्तों सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारत वर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख त्रिगदेव में स्पष्ट है। नंबर 10 कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण काल 999 सन ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। स्थानीय मत के अनुसार इसका कंदरिया नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदरपी के अनुसार हुआ है। इसी कंदरपी से कंदरपी शब्द का विकास हुआ, जो कालांतर में कंदरिया में परिवर्तित हो गया। नंबर 11 अरुणाचलेश्वर अन्नमलाईयार तमिलनाडु। दोस्तों अरुणाचलेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवता शिव को समर्पित है, जो भारत के तमिलनाडु में तिरुवनामलाई शहर में अरुणाचल पहाड़ी के आधार पर स्थित है। यह शैव धर्म के हिंदू संप्रदाय के लिए 5 तत्वों पंचभूत स्टालों और विशेष रूप से अग्नि के तत्व या अग्नि से जुड़े मंदिरों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण है। नंबर 12 मुरुदेश्वर महादेव गोकर्ण। दोस्तों मुरुदेश्वर भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले की भटकल तालुका में स्थित एक नगर है। यह भटकल नगर से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर स्थित है। यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ का मुरुदेश्वर मंदिर भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की ऊंचाई 249 फीट है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। नंबर 13 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। दोस्तों रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की मान्यता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर टापू बन गया। नंबर 14 अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। इसके मुख्य देव भगवान स्वामी नारायण है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। नंबर 15 मदुरै मीनाक्षी अमन। दोस्तों अरुल मिगु मीनाक्षी सुंदर स्वरार मंदिर उर्फ अरुल मिगु मीनाक्षी अमन थिरुकोविल एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, जो भारत के तमिलनाडु के मंदिर शहर मदुरै में बैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह देवी मीनाक्षी जो शक्ति का एक रूप है और उनकी पत्नी सुंदरेश्वर जो शिव का एक रूप है को समर्पित है। यह मंदिर तमिल संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन मंदिर शहर मदुरै के केंद्र में है, जिसमें 6वीं शताब्दी CE के ग्रंथों में देवी मंदिर का उल्लेख है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।